जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंडित विशाल दुबे एस्ट्रोविडी आप सभी का न्यूज धरोहर में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज न्यूज धरोहर के प्रोग्राम सितारे अच्छे हैं में हम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका के बारे में विश्लेषण करेंगे और हम जानेंगे कि उनकी पत्रिका में ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ऐसे कौन से योग थे जो नरेंद्र मोदी जी को उनके शत्रु से बचाते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जन्म महसाना गुजरात में 17 सितंबर 1950 को सुबह 11 बजे हुआ था। जिस समय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था उस समय अनुराधा नक्षत्र चल रहा था। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के देवता शनि देवता होते हैं, वह पुरुषार्थ का धनी व्यक्ति होता है, साथ ही साथ वह नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला जातक होता है। एक योग तो किसी भी जातक की पत्रिका में उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में कुल 28 राजयोग थे जिसके कारण वह आज इस शिखर पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जी का लग्न वृश्चिक लग्न था ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार। जिस जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में होता है वह निश्चित तौर पर सुखी भली धनी साहसी ज्ञानी और कुल का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है, वृश्चिक को देह सजाता सौर्यवान धनवान सुखी कल मध्य प्रधान अचम विवेकी सर्वपोषिका। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के लग्न का स्वामी मंगल स्वयं लग्न में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसी राजयोग के साथ साथ उनकी पत्रिका में भाग्य का स्वामी चंद्रमा स्वयं मंगल देव के साथ युति बना के लग्न में विराजित है, जो एक प्रकार का नीच भंग राजयोग भी है। गुरु का कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध शनि से हो रहा है, जो उन्हें आध्यात्म की ओर अग्रसित करता है। बुध आदित्य योग लाभ में वाक चतुर्यता, शत्रुओं को परास्त करने के लिए छठा भाव, छठे भाव का स्वामी स्वयं मंगल लग्न में चंद्र लक्ष्मी योग के साथ। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के शत्रु पनपते तो बहुत है, बट शत्रुओं के द्वारा कभी भी नुकसान नहीं होता है। आगे चर्चा करते हैं। मोदी जी की पत्रिका में हमने यह भी पाया है कि उनका भाग्य भी बिल्कुल प्रबल है। भाग्य का स्वामी चंद्रमा स्वयं लग्न में विराजमान है। जब भी किसी जातक की पत्रिका में त्रिकोण के स्वामी केंद्र में स्थापित हो, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होता है। इतनी ऊंचाइयों पर वह व्यक्ति पहुंचता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं करता है। ऐसे ही हमारे महानायक नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में हमने पाया है। मोदी जी की चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा ठीक चल रही है, जो देश के लिए भी अच्छी है। आने वाले समय में 2021 के पश्चात मोदी जी की लग्न की महादशा आने वाली है, मंगल की महादशा। निश्चित तौर पर मैं आपको ज्योतिषी मेरी ज्योतिषी गणना के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश का भविष्य निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे हाथों पर है। आने वाला समय 2028-29 तक हमारे देश को पुनः एक विश्व शक्ति के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ हमारे देश को सोने की चिड़िया से बनते हुए कोई नहीं रोक सकता। न्यूज धरोहर के प्रोग्राम सितारे अच्छे में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।